वृंदावन के गौरानगर कॉलोनी में विश्व बैंक के सहयोग से कराई जा रही विकास कार्य के दौरान चार संप्रदाय आश्रम के निकट सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। समस्या समाधान के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के न मिलने पर धरना प्रदर्शन तथा अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में हो रहे विकास कार्यों में मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सड़क को कब्जा कर बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। साथ ही बताया कि इस संबंध में नगर निगम प्रशासन से पूर्व भी कई बार शिकायत की गई तथा 3 दिन का अल्टीमेटम ही दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उनके नगर निगम कार्यालय में आने पर भी कोई अधिकारी नहीं मिला है। महंत रामस्वरूप दास ब्रह्मचारी ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वृंदावन आगमन पर उनके द्वारा लिखित शिकायत किए जाने पर मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम को कार्यवाही के निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आज के 3 दिन पहले गौरानगर कॉलोनी में वहाँ की समस्याओं को लेकर के, जो सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण की, गौरानगर कॉलोनी वृंदावन की अविकसित कॉलोनियों में सबसे बड़ी कॉलोनी है, जिसमें लगभग 15,000 वोटर निवास करते हैं, लेकिन उसका जो रास्ता है वो इतना अतिक्रमण के द्वारा सकड़ा कर दिया गया है कि जहाँ 20-22 फुट का रास्ता बताया जाता है उसमें से 8-9 फुट का रास्ता शेष बचा। अब इस बीच में एक कोई वर्ल्ड बैंक के द्वारा वहाँ पर बड़ा साज सज्जा का कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत सजावट की जा रही है, उस सजावट के नाम पर वहाँ 3-3 फुट रास्ता और दबा करके उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे खंभे खड़े कर दिए गए। उन खंभों की वजह से कहीं पर 6 फुट रास्ता, कहीं पर 8 फुट रास्ता रह गया। नालियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, सीवर लाइन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दुख की बात यह है कि अभी तक निगम का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी बार बार अनुरोध और निवेदन करने के बाद भी नहीं गया और न देखा वहाँ पर जा करके कि ये किस तरह का काम हो रहा है। वहाँ की सारी गलियाँ यहाँ के निगम प्रशासन को मालूम है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को सबको मालूम है कि कितनी सकड़ी गलियाँ, किस तरह का वहाँ पर गंदगी का आलम है। आप लोगों क्या मांगे? क्या हम लोगों की मांग ये है कि सबसे पहले तो अतिक्रमण हटाया जाए और उसके बाद में ये जो लोग कोई वर्ल्ड बैंक की संस्था जिसके द्वारा एक निर्माण कार्य चल रहा है, उस कार्य को रुकवा करके और उचित तरीके से नालियों की, सीवर लाइन की संपूर्ण व्यवस्था करने के पश्चात ही उसके बाद में खरंजा लगे और रास्ता का जो सौंदर्यीकरण करना है, कॉलोनी का सौंदर्यीकरण करना है, पहले रास्ता तो दो निकलने का, तभी तो सौंदर्यीकरण काम आएगा। किसी एक मैं तो और ज़्यादा आगे क्या कहूँ, कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि निगम प्रशासन एक ऐसी नारी है जो अपने सारे वस्त्रों का परित्याग करके केवल ज्वेलरी से सुसज्जित हो करके और अपनी सुंदरता दिखाना चाहती है और वो अपने आप को विश्व के सामने परोसना चाहती है मथुरा वृंदावन नगर निगम की, ताकि बाहर से आकर के लोग पूरे रूप रंग का दर्शन करते हुए और केवल ज्वेलरी देख करके विदेशों में लेकर के हमारी जाके स्तुति करें। जो तो एक कार्यदायी संस्था के द्वारा निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसमें जो 8 फुट का रास्ता है, उस 8 फुट के रास्ते में 3 फुट आगे आके एक खम्मा, जगह जगह खम्मा लगाए जा रहे हैं। उन खम्भों की वजह से रास्ता कुल चौड़ा 4 या 5 फीट का रह गया है। दूसरी बात, गौरानगर राधा निवास के अंदर जितनी भी गौरानगर की कॉलोनी है उसमें संपूर्ण गौरानगर में जो सीवर लाइन जो पड़ी हुई है वो चौक है, परिक्रमा मार्ग पूरी चौक है, सारी गलियाँ गौरानगर की चौक है, गंदा सीवर जगह जगह फैलता रहता है। तो लोग उसमें नमाजी लोग भी होते हैं, संत महात्मा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, निवासीगण भी होते हैं, उन सब के वो गंदे पानी में होकर निकलते हैं। तो दूसरी, जो गौरानगर में संस्था द्वारा सड़क बनाई जा रही है, वो सड़कें तो बना रही है लेकिन सीवर लाइन नहीं डाल रही है, नाली नहीं बना रही है। जो गौरानगर के अंदर जितने भी पूर्व सभासद रहे हैं या पार्षद रहे हैं, उन लोगों ने अपनी मर्जी से क्षेत्र में 2-4 सड़कें बनवा दी, उसके अलावा गौरानगर के क्षेत्र में कहीं भी झांक के नहीं देखा। उसका परिणाम है क्या, संत महात्मा समेत हम लोग कम से कम 100 से 150-200 लोग हम लोग नगर निगम के अंदर हैं, नगर निगम के अधिकारी महोदय यहाँ नहीं मिले, अधिकृत जो भी जेई वगैरह हैं वो यहाँ आए नहीं है, जो संस्था की कार्यदायी संस्था है उन कार्यदायी संस्था को नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा बुलाया गया है, उनको भी सूचना कर दी गई, लेकिन वो भी यहाँ अभी हम लोगों से बात करने के लिए नहीं आए हैं।